नमस्कार, आज की सबसे बड़ी और आम खबर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर के साथ में जी आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर, जहां पर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई और सभी छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है। जी आप सबको बता दें, इस खबर को जानकर आप सभी छात्र और छात्राएं खुशी से झूम उठेंगे। यदि आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले छात्र और छात्राएं तो आप तमाम छात्र जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र और छात्राएं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस विविध के साथ में सभी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी आपसे बता दें, सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कई सारे बड़े बदलाव कर रही है। इसी बीच सरकार की तरफ से कल एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है और सभी छात्रों को बड़ी राहत दे दी गई है। जी हाँ, आपसे बता दें, सरकार ने कहा कि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60% आएंगे, यानी 60% आपके इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है, यानी जो एवं सदे वाले आते हैं ABCD वाले क्वेश्चन, वो इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और ये सभी छात्रों को बड़ी राहत दी गई है, जिसकी काफ़ी लंबे वक्त से छात्र मांग भी कर रहे थे कि हमारे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए। और इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने यह सबसे बड़ी घोषणा कर दी है और सभी राज्यों के बोर्ड में ये जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये फिलहाल अभी तक लागू नहीं किया गया है और इस पर आप फिलहाल क्या राय है, जो ये फैसला लिया गया सही है फिर गलत, इसके बारे में आपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।